Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start 10th chapter in your civics book, Law and Social Justice. Right? So open your civics book, page number 120. This is your chapter, Law and Social Justice. Do you recall the story of a shirt from your class 7 book? ठीक है, स्टोरी ऑफ शर्ट आपने पढ़ा था सिविक्स बुक में क्लास 7 में, जिसमें क्या था, एक शर्ट किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है, कॉटन प्रोडक्शन से लेके फाइनली वो फॉरेन कंट्री में जाके किस तरीके से सेल होती है, बीच में कौन कौन से जो है पर्सन इन्वॉल्व है, कौन कौन से जो है मीडिएटर्स इन्वॉल्व है, उन सबको हमने स्टडी किया था. ठीक है, किस तरीके से अनइक्वली जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है सब में, कोई ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कोई बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इवन कुछ लोगों को तो बहुत ही कम पेमेंट मिलती है, जैसे कि फार्मर है, वीवर है, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाली जो महिलाएं थी, उन सब की स्टोरी हमने इस चैप्टर में रीड आउट करी थी. वी सॉ देयर दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ अ शर्ट इन द सुपर मार्केट. ठीक है, एक चेन है पूरी, जैसे किस तरीके से वो एक प्लेस से, एक पर्सन से, एक पार्टी से, या मार्केट में अलग अलग रिटेलर्स, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए जो है फाइनली कस्टमर तक पहुँचता है. बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. ठीक है, पहले लोग खरीदते हैं, फिर आगे बेचते हैं, फिर खरीदता है अगला पर्सन, फिर आगे बेचता है, बाइंग और सेलिंग हर स्टेप पे हो रही थी. मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट द स्मॉलर फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन. कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले फार्मर जो कि कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा था, द वीवर ऑफ द रोड और द वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट. ये वो लोग हैं जिनके साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, इनको जो है काम ज़्यादा लिया जाता है इनसे और इनको पेमेंट कम दी जाती है. मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर्स कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर. देखो, मार्केट में हर जगह कहीं ना कहीं लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे वो वर्कर्स का हो रहा हो, चाहे कंज्यूमर का हो रहा हो, या फिर प्रोड्यूसर का हो रहा हो. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज. ठीक है, इन सारे जो एक्सप्लॉयटेशन है, अत्याचार है, इन सबको रोकने के लिए, इन सबसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं. दीज लॉ ट्राई टू एंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट्स. ठीक है, क्या कोशिश करती है सरकार इन कानूनों की मदद से, कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिस है ये कम से कम हो. ठीक है, लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम कुछ सिचुएशंस के थ्रू जो है समझेंगे कि मार्केट में लॉ का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है. दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स वेज. सबसे पहले आप देख लेते हैं वर्कर्स का जो वेज इशू होता है वो सबसे बड़ा इशू होता है, जहाँ पे कानून की ज़रूरत होती है. क्योंकि अगर देखो वर्कर्स को ठीक से पेमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपना सर्वाइवल ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन नॉर्मली वॉन्ट टू मेक एज मच एज प्रॉफिट एज दे कैन. ठीक है, जो बिजनेस मैन होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये सब क्या कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट्स दे माइट डिनाई वर्कर्स फॉर देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस फॉर एग्जाम्पल. फिर अपना प्रॉफिट ज़्यादा बचाने के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, वो उतना पेमेंट वर्कर्स को नहीं करेंगे जितना कि वो डिजर्व करती है, जितना कि उनको मिनिमम मिलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट उनको कर देंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. ठीक, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस. कानून की नज़र में ये चीज़ क्या है, इलीगल है अगर आप श्रमिक को, वर्कर को उसकी जो है पेमेंट देने से मना करते हो. सिमिलरली टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड और आर पेड फेयरली देयर इज़ अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस. इसी तरीके से सरकार ने क्या कानून बनाया है, एक मिनिमम वेज का, कि कम से कम इतनी मजदूरी हर वर्कर को दी जाएगी, ताकि कोई भी मजदूर जो है वो अनपेड ना रहे, या फिर अंडरपेड ना रहे, उसको जो है कम पैसे ना मिले, या फिर जो है उसको जो है फेयरली पेमेंट उसके जो है काम की उसको मिले. इसके लिए कानून बनाया गया है मिनिमम वेजेस का. अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, सरकार ने एक मिनिमम वेज रेट फिक्स किया है कि इतना प्रतिदिन हर एक वर्कर को जो है मजदूरी मिलनी चाहिए, उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर उसको नहीं दे सकता है. द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर. अब ये जो मिनिमम वेज रेट है ये ऐसा भी नहीं कि सरकार ने एक बार फिक्स कर दिया तो वो वही फिक्स हो के हर साल इनको अपवर्ड मतलब बढ़ा के, क्योंकि महंगाई बढ़ती है उस अकॉर्डिंग इनके मिनिमम वेज रेट भी सरकार बढ़ाती रहती है. As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producer and consumers in the market. जिस तरीके से
वर्कर्स का जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेज का लॉ है, उसी तरीके से जो प्रोड्यूसर है या जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के भी लिए भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं। दिस हेल्प एंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, द वर्कर, कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, आर गवर्न इन अ मैनर दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। देखो ये सारे कानून बनाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, कि ये जो तीनों पार्टी हैं, वर्कर है, कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, इन तीनों के बीच में किसी का भी जो है शोषण ना हो, ठीक है। Table 1 provides some important laws relating to the protection of these various interests. Column 2 and 3 in Table 1 state why and for whom these laws are necessary. Based on the discussion in the classroom, you have to complete the remaining entire tables. क्यों कोई law है जो वो क्यों जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे law दिए गए हैं आपको, ठीक है, अलग अलग law, जैसे कि first में है minimum wage act specifies that wages should not be below a specified minimum. अभी हमने स्टडी किया मिनिमम वेज रेट क्या होते हैं, मिनिमम वेज एक्ट ये एंश्योर करता है कि एक जो फिक्स किए गए हैं मिनिमम वेजेस उससे कम किसी भी वर्कर को पे ना किए। व्हाई इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी क्यों है, मेनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉयर उनको फेयर वेजेस नहीं देते हैं, बिकॉज दे बैडली नीड वर्क, वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर एंड आर देयर लो वेजेस, और मजबूरी क्या होती है इन वर्कर्स की, इनको हर हालत में काम चाहिए होता है, इसलिए ये लोग जो है बार्गेन भी नहीं कर पाते अपने ऑनर के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, और उसी लोग जो वेजेस वो पे कर रहा होता है उसी पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है इससे, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसलिए इस कानून की ज़रूरत है। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, अब इस कानून के तहत कौन लोग हैं जिनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दिस लॉ इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। पर्टिकुलरली फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्कर्स हैं अलग अलग जगह पे काम करने वाले, इन सबके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। इस पर सिमिलरली बाकी कुछ लॉज हैं, इनको आपको स्टडी करेंगे क्यों उनकी ज़रूरी है और किनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो फिल्म्स हैं आपको बीच में क्या कुछ फिल करेंगे, ठीक है। बट मेयरली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ, ये हम देखो पिछले दो तीन चैप्टर से लगातार यही चीज़ समझते आ रहे हैं कि सिर्फ कानून का बन जाना ही जो है सफिशियंट नहीं होता, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट को, सरकार को ये एंश्योर करना होता है कि सिर्फ कानून बने ही ना रहे पेपर्स पे, बल्कि वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए, लागू भी होने चाहिए। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब है कि वो कानून लागू होना चाहिए। एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, और देखो इन कानूनों का एनफोर्समेंट होना, लागू होना इसलिए भी ज़रूरत होता है, ज़रूरी होता है ताकि जो कमज़ोर वर्ग है, ठीक है, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सोसाइटी में वो कमज़ोर वर्ग का शोषण ना कर सके। फॉर इंस्टेंस टू एंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट It gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. देखो example के लिए देखो कि workers को fair wages मिल रहे हैं या नहीं, उसके लिए सरकार क्या करेगी, regularly inspect करेगी work sites को। work sites क्या हो गई, factories हो सकती हैं आपकी, private companies हो सकती हैं, farms हो सकते हैं, ठीक है, domestic workers को fairly मिल रहा है नहीं, तो उनको जाके समय समय पर inspect करेगी और punish करेगी उन लोगों को जो भी इस कानून को तोड़ रहे हैं, यानी कि minimum wages वर्कर्स को पे नहीं कर रहे हैं। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग और फेसिंग रेप्रेजल ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस, ठीक है, कमजोर होते हैं गरीब ये वर्कर्स लोग जो होते हैं, पावरलेस होते हैं, इसलिए ये मजबूर हो जाते हैं कि जो भी कम से कम इनको पेमेंट मिल रही है उसी पे काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसी शोषण से बचाने के लिए तो ये लॉ बनाए गए हैं। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन देयर फेयर वेजेस, एम्प्लॉयर को भी ये पता होता है कि हाँ इनको काम की ज़रूरत है, ये कमजोर है, गरीब है, तो वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और उनको कम जो है वेजेस पे करते हैं। इन सच केसेस इट इज़ क्रूशियल दैट लॉज आर एनफोर्स, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में ही ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार ये एंश्योर करे कि ये सारे कानून जो है लागू हो रहे हैं, एनफोर्स्ड हैं। थ्रू मेकिंग, एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू एनश्योर सोशल जस्टिस, ठीक है, इन कानूनों को बना के, इम्प्लीमेंट करवा के और इनको अपहोल्ड करवा के सरकार क्या ये सुनिश्चित करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है,
इनके ऊपर, इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश हो, ताकि जो बाकी वर्कर्स लोग हैं उनके साथ एक सोशल जस्टिस उनको मिल सके. मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ज़्यादातर जो ये कानून है इनका बेसिस क्या है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हीं को बेस बना के ये कानून बनाए गए हैं. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages. आपको पता है एक हमारा जो है fundamental right है, right against exploitation. ठीक है, exploitation मतलब अत्याचार, किसी भी तरीके का अत्याचार आपके साथ हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, न्याय पाने का आपको अधिकार है. ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है कि किसी भी पर्सन को जो है लो वेजेस पे काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और ना ही अंडर बॉन्डेज. Similarly, the constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. Hazardous होता है खतरनाक. 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे ना तो उनको कहीं पे जो है मजदूरी करवा सकते हैं, फैक्ट्री में लगा सकते हैं, ना ही किसी खतरनाक माइन हो गई जैसे खदानें हो गई उनमें काम उनसे करा सकते हैं. How are these laws played out in practice? अब practically ये जो है किस तरीके से apply होते हैं, लागू किए, enforce होते हैं. To what extent do they address the concerns of social justice? किस हद तक जो है ये social justice का जो concept है इसको address कर पाते हैं, ठीक है, इसका समाधान कर पाते हैं. These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. अब यही सब चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे. देखो next page पे आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम पढ़ते हैं. The world's worst industrial tragedy took place in Bhopal 24 years ago. वर्ल्ड की जो है सबसे खतरनाक, सबसे जो है वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में यूनियन कार्बाइड जिसको शॉर्ट में यूसी कहते हैं, एन अमेरिकन कंपनी हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड. देखो यूनियन कार्बाइड क्या थी, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने अपनी एक फैक्ट्री लगा रखी थी भोपाल में और क्या प्रोड्यूस करती थी, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक प्रोड्यूस करती थी. एट मिडनाइट ऑन 2 December 1984 माइथेल इसोसाइनाइट MIC अ हाईली पॉइजनियस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूसी प्लांट. अब 2 December 1984 की आधी रात को क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक गैस मीथेल आइसोसाइनाइट, ठीक है, वो जो है इस प्लांट से, इस फैक्ट्री से लीक होने लगती है. रिमेंबर अजीजा सुल्तान अ सर्वाइवर, एक सर्वाइवर क्या है जो इस ट्रेजेडी में मची, बच गई थी अजीजा सुल्तान, वो रिमेंबर करते हुए, याद करते हुए कहती है, एट अबाउट 12:30 AM आई वोक टू द साउंड ऑफ माई बेबी कफिंग बैडली. कहती है 12:30 बजे मेरी आँख खुली जब मेरा बच्चा जो है बहुत बुरी तरीके से खांस रहा था. इन द हाफ लाइट आई सॉ दैट रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड. मतलब बहुत कम रोशनी थी, आधी रात का समय था तो रात को कमरे में बहुत ही कम हाफ लाइट थी, तो उसमें वो देखती है कि कमरा जो है एक बादल से यानी कि धुएं जैसी चीज़ से भरा हुआ है. आई हियर पीपल शाउटिंग अराउंड रन, मैं लोगों को चिल्लाते हुए सुन रही थी भागो भागो. देन आई स्टार्टेड कफिंग विद ईच ब्रीथ सीमिंग एज इफ आई वॉज ब्रीदिंग इन फायर. उसके बाद मैं भी खांसने लगती हूँ और हर सांस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं फायर को मतलब आग की सांस ले रही हूँ ऐसा लग रहा था. माई आईज वर बर्निंग, मेरी आँखें जल रही थी. ठीक है, अब द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह क्या होता है, विद इन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डाइड. अगले 3 दिनों में 8,000 से ज़्यादा लोग जो है मर जाते हैं. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर मेम्ड. देखो मास क्रीमेशन इस तरीके से देखो लोगों को जलाया गया था, हजारों की संख्या में लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी इस पॉइजनस गैस की वजह से. Most of those exposed to the poison gas came from poor working class families of which nearly 50,000 people are today are too sick to work. देखो इनमें से जो भी इस poisonous gas से जो exposed हुए थे उनमें से ज़्यादातर लोग जो है गरीब थे, working class family से belong करते थे. उनमें से देखो लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जो आज भी इतने बीमार हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इस ट्रेजेडी के बाद वो इतने बीमार हो गए कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बीमारी में ही गुजार रहे हैं, वो किसी काम करने के लायक नहीं है. अमंग दोज हु सर्वाइव्ड मैनी डेवलप्ड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी होता है सांस लेने में कठिनाई, मतलब जो लोग इसमें बच गए उनमें से बहुतों को आज सांस से संबंधित जो है बीमारियाँ हैं, दिक्कतें हैं, आई प्रॉब्लम्स हैं एंड अदर डिसऑर्डर्स. आँखों के से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम है उनको, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और भी कई तरीके के डिसऑर्डर्स उनको हैं. चिल्ड्रेन डेवलप्ड
पेक्यूलियर एबनॉर्मलिटीज़, जो बच्चे थे उस समय में, ठीक है, छोटे बच्चे, उनके अंदर कुछ अलग तरीके के एबनॉर्मलिटी आ गई है, यानी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, लाइक द गर्ल इन द फोटो, इस तरीके से ये बच्चे हैं, एबनॉर्मल हो गए हैं ये बच्चे, ठीक है। द डिज़ास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, ये जो डिज़ास्टर हुआ था, ये जो त्रासदी हुई थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। यू एस हैड डेलिबरेटली इग्नोर द असेंशियल सेफ्टी मेजर इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। अब ये जो यूसी थी, यूसी क्या थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी, इसने जानबूझकर क्या करा था, असेंशियल सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर दिया था, कि जो भी इसको सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए थे, इसने अपनी कॉस्ट कम करने के चक्कर में, कि नहीं मेरा खर्चा होगा, मुझे क्या ज़रूरत है सेफ्टी मेजर्स अपनाने की, इस कंपनी ने जानबूझ के सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर दिया ताकि इसकी कॉस्ट कम रहे। मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देर हैड बीन इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीक किलिंग अ वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल। जब ये भोपाल ट्रेजेडी हुई, उससे पहले भी एक बार गैस लीक हो चुकी थी, जिसमें एक वर्कर की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे दूसरे वर्कर्स जो हैं इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी इस यूनियन कार्बाइड कंपनी ने जो है कोई भी सेफ्टी मेजर्स अपनाने की ज़रूरत नहीं समझी। Despite the overwhelming evidences pointing to Lucy as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility. देखो सारे जो है सबूत थे, सारे जो है evidence, ये जो है point out कर रहे थे कि यूसी यानी कि यूनियन कार्बाइड की जो है रिस्पॉन्सिबल इस सारी त्रासदी के लिए, सारे डिजास्टर के लिए, लेकिन ये कंपनी जो है अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। In the ensuring legal battle, the government represented the victims in a civil case against UC. अब एक legal battle, एक legal जो है इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने क्या करा, एक civil case file किया इस company के खिलाफ। It filed a $3 billion compensation case in 1985. $3 billion का compensation का case डाला सरकार ने 1985 में, but accepted a lowly $470 million इन 1989, लेकिन सिर्फ कितना एक्सेप्ट हुआ उसमें से, $470 million ही 1989 में जाके एक्सेप्ट होता है। सर्वाइवर्स अपील अगेंस्ट द स्टेटमेंट, बट द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। अब उसके बाद ये जो सर्वाइवर होते हैं, ये हाई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि नहीं, इतना ही अमाउंट आपके कंपनसेशन के लिए सफिशियंट है। यूसी स्टॉप्ड इन इट्स ऑपरेशन, उसके बाद जो ये कंपनी थी, इसने अपने ऑपरेशंस यहाँ पे बंद कर दिए, बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स ये छोड़ जाती हैं। दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड, अब ये धीरे धीरे जो है जमीन के अंदर चले जाते हैं, कंटामिनेटिंग वाटर, और उसके बाद क्या हुआ, पानी जो है वो दूषित हो गया क्योंकि जमीन के अंदर चले गए। दो केमिकल द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनअप। अब उसके बाद एक दो केमिकल के नाम से कंपनी आती है, जिसने इस यूसी कंपनी को जो है, यूनियन कार्बाइड को जो है टेक ओवर करा, मतलब उसको खरीद लिया, लेकिन इसने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब जो भी गंदगी या जो भी केमिकल यूनियन कार्बाइड ने फैलाए हैं, हम उसको साफ नहीं करेंगे, ठीक है। 24 years लेटर पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, अब तो 24 के, अब तो बहुत सारे साल हो गए, कितने 36 साल हो गए हैं, ठीक है, अभी भी लोग जो है जस्टिस के लिए 36 साल बाद भी जो है लोग लड़ रहे हैं। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी नहीं है उनके पास। फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन्ड बाय यूसी, ऐसे लोग जॉब पाने के लिए, ठीक है, कि उनके पास कोई काम नहीं है, जो लोग पॉइजनस हो गए इस यूसी कार्बन यूनियन कार्बाइड के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। दे ऑल्सो डिमांडेड दैट अर्डनसन द यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड, ये लोग ये भी डिमांड करते हैं कि एंडरसन कौन है, यूसी का चेयरमैन है, इस कंपनी का चेयरमैन था, उसको भी जो है क्रिमिनल चार्जेस के थ्रू प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा था भोपाल ट्रेजेडी का इंसिडेंस। वट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up its plant in India? अगर हमें ये चीज़ें समझनी है कि भोपाल का जो ये डिज़ास्टर है वो किन घटनाओं की वजह से हुआ, तो सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि यूनियन कार्बाइड ने अपना प्लांट जो है इंडिया में सेटअप क्यों किया। वन रीज़न वाई फॉरन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर, पहला कारण जो है कि जो विदेशी कंपनियाँ वो भारत में जाती हैं कि उनको यहाँ पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। Wages that the companies pay to workers say in the USA are far higher than that what they have to pay to workers in poorer countries like India. US जैसे कंट्री में जितने वेजेस वर्कर को पे किए जाते हैं उससे बहुत कम वेजेस जो है उनको भारत जैसे गरीब देशों में
जो है वर्कर्स को पे करने पड़ते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर, घर जल इन वर्कर्स को घर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी, ये सब भी जो है बहुत ही कम है। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। और इससे क्या होता है, जब ये लो वेजेस पे करेंगे, रहने को उनको नहीं देना पड़ेगा मकान, तो ठीक है, तो उनकी कॉस्ट कम आएगी और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, इसलिए वो इंडिया में आते हैं, अपनी कंपनीज को, अपनी फर्म्स को, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स। अभी हमने जैसे कि यूसी कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड का एग्जाम्पल पढ़ा, उसने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करा, जो सेफ्टी मेजर्स थे उनको फॉलो नहीं करा। तो कंपनीज जो हैं और भी बहुत सारे तरीके अपनाती हैं अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए। लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर्स, लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट। मतलब वर्किंग कंडीशन को पुअर बना देना, उनको सेफ्टी मेजर्स ना प्रोवाइड करना, ये भी एक कंपनीज का एक तरीका होता है अपनी कॉस्ट को कम करने का। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। जो भी सेफ्टी मेजर्स यूसी प्लांट में थे वो सारे खराब थे, माल फंक्शनिंग थे, चल नहीं रहे थे, वर्क नहीं कर रहे थे, या फिर उनकी जो क्वांटिटी थी वो एडिक्वेट नहीं थी। बिटवीन 1980 and 1984 द वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर। 1980 से 1984 के बीच में जो वर्क क्रू था, यानी कि काम करने वाला जो क्रू था MIC प्लांट का, उसको 12 से 6 कर दिया गया था। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनर फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। सेफ्टी से रिलेटेड, मतलब जो सेफ्टी से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस पीरियड को 6 महीने से कट करके सिर्फ 15 दिन कर दिया। यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, लेकिन दी कितने दिन की, सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड। नाइट शिफ्ट वर्कर की जो ड्यूटी थी, जो कि ध्यान रखता कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं, उसको जो है उसकी पोस्ट को भी वहाँ से खत्म कर दिया गया कॉस्ट बचाने के लिए। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द US। अब हम क्या करेंगे, इसी कंपनी के US में भी प्लांट है, इसी कंपनी के भोपाल में भी प्लांट है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ते हैं हम। एट वेस्ट वर्जीनिया USA कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस। USA में जो इसकी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे इसने कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम भी लगा रखे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा रखे हैं। वेयर एज द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल गेजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीकेज। लेकिन भोपाल में इन्होंने क्या कर रखा था कि कोई भी ऐसा सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम या मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा रखा था, लोगों को सिर्फ स्मेल करके ही ये पता लगाना होता था कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही है। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लांट्स वर इन प्लेस। प्लांट्स वर इन प्लेस मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती तो किस तरीके से बचाव करना, किस तरीके से भागना, ये सारे प्लांट्स इन्होंने अपने USA के प्लांट में कर रखे थे, बट नन एग्जिस्टेंट इन भोपाल। लेकिन भोपाल में ऐसा कोई भी प्लान इन्होंने इवैक्यूएशन का नहीं बना रखा था। Why are there such sharp differences in safety standards across countries? अब ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, कंपनी एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के मेजर्स अपना रही है वो। एंड इवन वट आफ्टर द डिज़ास्टर हैपन्ड, वाई वॉज द कम्पनसेशन टू द विक्टिम सो लो। हालांकि देखो जो डिज़ास्टर हो भी गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो भी गई भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद भी कंपनी जो है कम्पनसेशन नहीं देना चाहती है, इतना कम कम्पनसेशन दे रही है। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन वट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। इसका आंसर वही है कि एक इंडियन वर्कर की वर्थ है क्या। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर। यहाँ पे क्या है, एक वर्कर आसानी से दूसरे वर्कर को रिप्लेस कर सकता है। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस इन रिटर्न फॉर अ वेज। क्योंकि यहाँ पे देखो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वर्कर बहुत ज़्यादा है काम करने के लिए, इसलिए क्या होगा, अगर एक पर्सन काम नहीं करेगा तो दूसरा पर्सन जो है अनसेफ कंडीशन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको काम के लिए ज़रूरत है। मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस। अब वर्कर्स की वल्नरेबिलिटी को, कमजोरी को देखते हुए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सेफ्टी मेजर्स को जो है इग्नोर कर देते हैं। दस इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स माइंस और फैक्ट्रीज ड्यू टू द कैलस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर। भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद भी आज भी हमें जगह जगह अलग अलग फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इस तरीके के एक्सीडेंट्स की रेगुलर रिपोर्ट मिलती रहती है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज
टू एंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। देखो सरकार को ये कानून बनाने होते हैं और उसे ही ये एंश्योर करना होता है कि ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की ही है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। इसी के साथ ही सरकार ये भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 21 ने राइट दिया है राइट टू लाइफ का, वो भी सभी लोगों को मिल रहा है, ये एंश्योर करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। वट वॉज द गवर्नमेंट डूइंग वेन देयर वॉज सच ब्लाटेंट वायलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द US प्लांट। सरकार उस समय क्या कर रही थी जब इस तरीके से जो है इतना बड़ा इतना विशाल जो है वायलेशन हो रहा था कि जो ये UC प्लांट था इसने UC फैक्ट्री ने जो है इतने सारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इनको फॉलो ही नहीं करा, तब सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? फर्स्ट द सेफ्टी लॉज आर लैक्स इन इंडिया, सेकेंड इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज आर नॉट एनफोर्स। सबसे पहले तो कमज़ोर हैं भारत के जो कानून हैं, दूसरा इनको प्रॉपरली एनफोर्स भी नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकोगनाइज द प्लांट एज हैज़ार्डियस एंड अलाउड इट टू कम अप इन द इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। सरकार के जो ऑफिसर्स थे इन्होंने जो है ये चीज़ इग्नोर करी, रिफ्यूज़ कर दी कि ये प्लांट हैज़ार्डियस है, खतरनाक है और बहुत ही पॉपुलेटेड जगह में इनको फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of a MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state need to contribute investment of the Bhopal plant which provides job. देखो जब जो वहाँ का म्यूनसिपल ऑफिसर था ऑफिशियल्स थे जो भोपाल के, उन्होंने ऑब्जेक्शन करा कि नहीं इस तरीके का खतरनाक प्लांट जो है भोपाल में नहीं लगाना चाहिए, तो गवर्नमेंट वॉज दैट स्टेट नीड्स कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ भोपाल प्लांट, कि सरकार को जो है लगातार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और जब ये प्लांट यहाँ पे लगेगा तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इट वॉज अनथिंकेबल, मतलब ये बिल्कुल बिना सोचे समझे किया गया काम था। अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट। जो सरकारी ऑफिसर थे उन्होंने लगातार जो है अप्रूव करते रहे वो जो भी काम जो भी प्रोसीजर वो इस प्लांट में कर रहे थे। इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग, मतलब कोई भी जो है पर्सन ये मतलब पता लगा सकता था कि चीज़ें गलत हो रही है जब लगातार वहाँ से उस प्लांट से गैस लीक होती जा रही थी। दिस As you know, is contrary to what the role of a lawmaking and enforcement agency should be. अब आपको समझ में आया कि ये काम तो मतलब जो सरकार जिसको कानून बनाना चाहिए एनफोर्स कराना चाहिए ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता ना किसी भी सरकार से। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट कंपनीज। जहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, वहाँ सरकार ने लोगों की इतनी बड़ी सेफ्टी के इशू को जो है इग्नोर करा, इवन प्राइवेट कंपनी ने उसने भी इग्नोर किया। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ठीक है ये कहीं से भी डिजायरेबल नहीं है। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉ। जैसे जैसे देखो भारत में देशी और विदेशी कंपनीज की जो है भरमार होती जा रही है आती जा रही है तो हमें एक बेटर लॉ एन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। Now, new laws to protect the environment. In 1984, there were very few laws protecting the environment in India. 1984 में बहुत ही कम environment ऐसे थे जो कि हमारे environment को protect कर रहे थे। There was hardly any enforcement of these laws. ऐसे बहुत ही कम law थे जो कि law भी कम थे और उनको enforce भी बहुत ही कम किया जा रहा था। The environment was treated as a free entity and the industry could pollute the air. Environment को बिल्कुल भी मतलब एक free entity माना जाता था कि ये तो free में मिल रही है, इसको जितना मर्जी चाहे pollute करो, कोई standard नहीं होते थे ना ही कोई law बना हुआ था, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें वर्स होती हैं तो धीरे धीरे इसके लिए भी कानून बनाया जाता है। कंक्लूजन देख लेते हैं, लॉज आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशन। देखो कानूनों की हमें ज़रूरत हर एक सिचुएशन में होती है, बहुत सारी सिचुएशन में होती है। वेदर दिस बी अ मार्केट ऑफिस और फैक्ट्री सो एज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट अ बिजनेस पर्सन इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट रिसोर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिसेस सच एज पेइंग वर्कर्स लो वेजेस एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क। देखो ज़्यादा जो ये कंपनीज होती है कॉन्ट्रैक्टर होती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती है अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि लो वेजेस पे करते हैं एम्प्लॉय को, बच्चों को काम पे लगा देते हैं, कंडीशन वर्किंग जो कंडीशन है उनको इग्नोर करते हैं,
इन्वायरमेंट को वो किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं. अ मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट देयर फॉर इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाई मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज एज टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर सोशल जस्टिस. इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ये प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमर्जी कर रही है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कानून बनाए भी, उनको एनफोर्स भी करें, उनको अपहोल्ड भी करें. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज एंड हैज़ टू एनफोर्स द लॉ. अप्रोप्रिएट लॉज भी बनाने चाहिए सरकार को, उनको एनफोर्स भी कराना चाहिए. लॉज दैट आर वीक एंड पुअरली एनफोर्स कैन कॉज सीरियस हार्म एज द भोपाल गैस ट्रेजडी शो. आपको पता है कि अगर कानून ठीक से नहीं बने होंगे तो क्या होगा, भोपाल गैस ट्रेजडी जैसे इंसिडेंट्स होंगे. While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of society. लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, assert करना चाहिए कि ताकि सरकार भी और ये private company भी लोगों के हितों का जो है ध्यान रखें. Environment as we saw is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to a healthy environment as intrinsic to the right of life. ठीक है, इस जिस तरीके से लोगों ने कोशिश करी है कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, तो जो कोर्ट है इंडिया की, उन्होंने भी अपहेल्ड करा है कि हाँ, सेफ एनवायरनमेंट मिलना भी एक राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है. इन दिस चैप्टर वी हैव आर्ग्यू दैट पीपल नाउ मस्ट डिमांड दैट दिस फैसिलिटी ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट बी एक्सटेंडेड टू ऑल. अब जो है लोगों को डिमांड करनी चाहिए कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना भी सभी लोगों का एक राइट है. Likewise, workers' right, right to work, right to a fair wages and decent work condition is an area where the situation is still very unfair. अभी भी हाँ, हालांकि हमें पता है कि वर्कर्स की कंडीशन में कि उनको अनफेयर वेजेस मिलते हैं, उनको अनफेयर जो है ट्रीटमेंट मिलता है, वर्किंग कंडीशन मिलती है, वहाँ अभी भी जो है हम काफ़ी पीछे हैं. पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट सो दैट द राइट टू लाइफ इज अचीव्ड फॉर ऑल. लोगों को लगातार डिमांड करनी चाहिए कि वर्कर्स की कंडीशन जो है उसके लिए प्रॉपर लॉ भी बने, उनको एनफोर्स भी किए जाए, ताकि जो राइट टू लाइफ है वो सभी को जो है अचीव हो सके. क्लियर? तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है कम्प्लीट हो गया है.